बहरनियों की बीमारी से आपको हील होते हुए देख रहा हूं। जिस सिस्टर का नाम सिमरन है और जे मोदल गांव के रहने वाले हैं और जिस सिस्टर के हस्बैंड की गवाही है, बहुत बड़ी गवाही है। पहले हम उनके पिक को देखेंगे जिनके हस्बैंड है और इनकी गवाही जे है। जे बता रहे कि 25 साल से इनको हर्नियों की प्रॉब्लम थी, जिसके कारण जे बहुत परेशान हो चुके, बहुत ज्यादा इन्होंने मेडिसिन खा रहे थे 25 साल से, क्योंकि हर्नियों की प्रॉब्लम के कारण इनको बहुत ज्यादा दर्द रहती थी। इनको पथरियां भी की प्रॉब्लम भी आ गई थी, जिसके कारण जो बहुत ज्यादा मेडिसिन खा रहे थे और इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और जो सिस्टर बहुत परेशान हो चुके थे, क्योंकि इनके दर्द को देखकर जो सह नहीं सकते थे, और जो बहुत सारे डॉक्टरों के भी पास गए, जो बता रहे कि बहुत ऐसे उन्होंने ऐसे परेशान रहते थे। और जैसे ही इनका जैसे ही जो सिस्टर 3 साल से प्रभु के ऊपर विश्वास कर रहे थे, इन्होंने बताया कि इनके हस्बैंड प्रभु के ऊपर बिलीव नहीं करते, बहुत कम करते हैं, पर इनको मीटिंग में आने देते हैं, पर अविश्वास नहीं करते। पर जो सिस्टर ने अपने हस्बैंड के लिए विश्वास करते रहे, जैसे प्रभु के दास हीलिंग प्रेयर करते थे और हर समय जो सिस्टर अपने पति के लिए हीलिंग को रिसीव करते थे, विश्वास में बने रहे। और जो सिस्टर बता रहे जैसे 19 सितंबर की मीटिंग के दिन जो सिस्टर संगति में आए और प्रभु के दास के मुख से हीलिंग हो रही थी कि जिनको हर्निया की प्रॉब्लम है, सबसे पहले हम उस वीडियो क्लिप को देखते हैं। मैं हर्नियों की बीमारी से आपको हील होते हुए देख रहा हूं। मैंने कहा मैं हर्नियों की बीमारी से आपको हील होते हुए देख रहा हूं, आप चंगे हो रहे हो। मैं हर्नियों की बीमारी से आपको हील होते हुए देख रहा हूं। मैंने कहा हर्नियों की बीमारी से आपको हील होते हुए देख रहा हूं। मैं रिसीव करो अपना पूरा मन, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाओ, अपना ध्यान पूरी तरह अपना परमेश्वर की ओर लगाओ। जैसे ही इन्होंने हीलिंग को रिसीव किया, जो बता रहे कि उसी समय प्रभु की आत्मा ने उनको छुआ। अभी 3 महीने हो चुके हैं कि इनके हस्बैंड को कोई भी दर्द नहीं हुई, इन्होंने कोई भी मेडिसिन उनको लेकर नहीं दी, क्योंकि पूरी तरह से परमेश्वर ने इस प्रॉब्लम से उनको फ्री कर दिया है। हम सब तारीफ करेंगे इस गवाही के लिए। और सेकंड गवाही इनकी जे जो बता रही कि इनके हस्बैंड जब बचपन से ही मतलब जब भी ऐसे वो बेड के ऊपर बाथरूम कर देते थे, वो एक भयानक बीमारी थी, जिसके कारण जब इनकी मैरिज हुई और जब जी मैरिज हुई जब अपने घर में आए, तो इन्होंने बताया कि इनको इनकी जो सास थी, उन्होंने बोला कि ऐसी जी प्रॉब्लम है, हमने आपको पहले नहीं था बताया। तो इन्होंने बताया कि कोई बात नहीं, अगर जी एक बीमारी है तो मैं इसके लिए जो भी हम इलाज होगा वो करवाएंगे, पर उसके लिए भी इन्होंने बहुत सारी मेडिसिन खा रहे थे। जो बता रहे कि बचपन से ही इनके हस्बैंड ऐसे बेड के ऊपर बाथरूम कर देते थे, अभी तक भी ये प्रॉब्लम ऐसे बनी हुई थी, जिसके कारण जो बहुत परेशान हो चुके थे। और इन्होंने बताया कि इसके लिए भी जे प्रभु के जैसे ही संगति में आते थे, जे प्रार्थना में बने रहे, धन्यवाद देते रहे कि परमेश्वर जी एक भयानक बीमारी है। जैसे प्रभु के दास हीलिंग प्रेयर करते थे, पर जी विश्वास के साथ अपनी प्रार्थना को परमेश्वर के सन्मुख लेकर जाते थे और धन्यवाद में बने रहे। और जो इस बीमारी के लिए जब ये प्रार्थना करते थे, तो आज बता रहे कि परमेश्वर ने 2 महीने हो गए कि इस प्रॉब्लम से भी उनको पूरी तरह से फ्री कर दिया। अभी जे बहुत खुश है कि जो परमेश्वर ने इनके हस्बैंड के जीवन में जो बड़ी गवाहियों को बनाया, इस गवाही के लिए जो परमेश्वर का धन्यवाद करते, हम सब तारीफ करेंगे कलीसिया इस गवाही के लिए। सुनो, आज की गवाहियों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत सिखा भी रहा है और आपको ब्लेस भी कर रहा है। सुनो, देखो, सबसे पहले ये हर्नियों की बीमारी, ये प्रॉब्लम कितने साल से थी? 25 साल से। और मेडिसिन खाते थे जो दर्द होती थी, फिर कम, फिर दर्द, फिर कुछ, हाँ, ऑपरेट तो नहीं कराया, मेडिसिन ही खाते रहे, है ना। सुनो, 25 साल से जो हर्नियों की बीमारी, सबसे पहले परमेश्वर ने उससे डिलीवर किया, उससे फ्री किया, सिर्फ इनके विश्वास से। और दूसरी, सेकंड जो प्रॉब्लम थी, जब से इनकी शादी हुई, आपकी शादी को कितने साल हो गए?
हो गए 45 साल। 45 साल से ये इनके हस्बैंड, देखो ये पाप की बीमारियां होती है ना, क्या होती है? तो 45 साल से जबकि शादी हुई वो अपने आप बिस्तर पर बाथरूम उनका निकल जाता था। बोलो क्या है? अपने आप। पर वो इन्हें मना नहीं करते आने से, ऐसे नहीं है कि यीशु को बुरा भला जैसे है, हाँ मन में होगा पर इतना विश्वास नहीं करते जितना करना चाहिए। पर ये बहुत विश्वास करते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा ना, जिन बहनों के पति विश्वास नहीं करते इस गवाही से वो विश्वास करे, क्योंकि इस बहन के विश्वास से इसके पति को दोनों हीलिंग्स मिली हैं, पहले हरनियों की और फिर ये 45 साल से जो बाथरूम वो बिस्तर पर कर देते थे, अपने आप हो जाता था ना, बचपन से, बचपन से लेकर बाद में इनको जब मैरिज हुई तब पता चला। अच्छा, ओके ओके, जो तो मैरिज हुई इन्हें तब पता चला और बचपन से थे ये प्रॉब्लम। देखो समझ आ रही है ना, ये छोटी बात है। अब मुझे बताओ, बाइबल में लिखा कि पत्नी के विश्वास से पति के जीवन में परमेश्वर काम करेगा। जिन बहनों के पति विश्वास नहीं करती उनके विश्वास से क्या हो सकते हैं, क्योंकि बाइबल में यह बात लिखी, अगर उसका पति विश्वास नहीं करता तो उसके विश्वास से वो उद्धार पाएगा, वो जीवन पाएगा। क्या पाएगा? और वैसा ही हुआ जैसा वचन में लिखा है। बोलो क्या है? वैसा ही हुआ जैसा वचन में लिखा है। और आइए आज आपके सामने ये टेस्टामनी, ये गवाहियां दे रहे हैं दोनों। क्या दे रहे हैं? समझ आ रही है? क्योंकि जिनके पति विश्वास नहीं करते बाइबल में लिखा उनसे वो अलग ना हो, नहीं तो आपके बच्चे अशुद्ध हो, क्या होते हैं? तो आपके विश्वास से आपका पति भी उधार पाएगा। क्या पाएगा? इसलिए इस गवाही के लिए, इस बड़े काम के लिए जोर से अपने हाथों को उठाकर और इस विश्वास की बड़ी गवाही के लिए तारीफ करो। मैंने कहा तारीफ करो जोर से, जोर से। आमीन।